पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू फाइट इट आउट एंड ही इज गोइंग टू फाइट इट आउट। जब चोटा पे लेने की कोशिश, वाई पर एक प्लेयर को थ्री फुली लोडेड है मेरे ख्याल से अभी के लिए, ये इस एंगल भी फुली लोडेड है और मैं देखना चाहूंगा वो कौन सी टीम होगी सबसे पहले जो फाइट लेते नजर आएगी। और हियर यू गो, वाई पर भी यहां पे स्पॉट किया एक प्रोटेक्शन कोट, सीधा बगी से उतरे, एनिमेशन में नॉक करा और सीधा उनको पनिश करके सर्वर के बाहर करते नजर आए हमें। Team Soul versus the Table Toppers and I don't wanna miss that fight. But अभी के लिए अगर आप पुचिंकी की बात करें, देखिए कितना कामली खेल रही है टीम्स, कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट उनके लिए। सोल वाइपर ने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, बट क्या उनको फिनिश कर पाएंगे, क्या यहाँ पे फाइट लेंगे टीम सोल? बिकॉज सामने जो TSM/FTX है उनके प्लेयर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं कवर प्रोवाइड करने के लिए। सोल वाइपर शैडो को भी यहाँ पे नॉक करते आपको नजर आ जाएंगे, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है और जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे टीम सोल के वाइपर करते दिखा रहे हैं, आई थिंक सफर आसान होगा। देखिए बिना कैजुअलिटी के अगर खेलते तो ज्यादा बेटर होता, बट अब तीन प्लेयर हैं, जो आपको सिनेरियो मिल रहा है उसी सिनेरियो को पॉजिटिव वे में लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश है, बट आगे नहीं जा पाए। देखिए रोटेशन कर रहे थे, आई डोंट थिंक ये पोजीशन लेना चाहते थे, बट यहाँ पे सोल वाइपर को भी नॉक कर दिया जाता है, जीई के पीएस 8-bit के ओमेगा को भी नॉक कर देते हैं, तो टीम 8-bit की शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है और दो प्लेयर जो बचे हैं वो भी फंसे गए हैं बिकॉज टीम गॉड लाइक निशाना ताक के बैठी है वहां पे। देखिए टीम सोल अब थर्ड पार्टी जाती हुई नजर आने वाली है ऑन टुवर्ड्स द पुचिंकी। लिटिल डू दे नो कि यहाँ पे ऑलरेडी दो टीम्स हैं, उन दोनों टीम्स ने फाइट इनिशिएट करी ही नहीं है एंड अब सोल वाइपर जो नॉक नजर आने वाले हैं उनको सपोर्ट देना भी बाकी दो प्लेयर्स के लिए आसान नहीं होगा। रेगल टॉस और उनके साथ कैनेडियन ड्राइवर है, दोनों ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे सराउंड तो किया हुआ, प्लेयर्स को हमको मॉडल भी नजर आएंगे, बट क्या वाइपर को वहां से एग्जीक्यूट करना आसान होगा? बहुत सारे स्मोक्स किए जा रहे हैं, मॉडल स्पेस के लिए भी जाते हैं, प्री फायर के लिए जाते हैं, कोई प्लेयर अगर पी करता है Frank is level best to save his teammate. अपने प्लेयर को बचाने के लिए लुक एट द नंबर ऑफ यूटिलिटीज दे आर यूजिंग एंड इट इज वर्थ इट। जिस फॉर्म में आज वाइपर नजर आ रहे हैं, अगर उनको बचा लिया जाता है टीम सोल दोबारा रीसेट कर सकती है इस फाइट को, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे यू नो FNLS क्यों रश नहीं कर रहा नॉक करने के बावजूद, क्योंकि उनको पता है कि ब्लाइंड भी यहाँ पे है, जैसे ही वो टीम सोल के साथ फाइट लेंगे डजंट मैटर रिजल्ट क्या आएगा, थर्ड पार्टी इमिनेंट है और वहां पे थर्ड पार्टी लेना खतरे से खाली नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे सोल मॉडल स्पॉट कर सकते थे ब्लाइंड के प्लेयर को, बट उनका ध्यान यहीं पे इसी कंपाउंड के ऊपर था। दे हैव टू बी मोर केयरफुल राइट नाउ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, कोई भी टीम एलिमिनेट पूरी तरह से नहीं हुई है, अभी अगर आप फाइट लेते हैं खतरा रहेगा जल्दी एलिमिनेशन का। लुक एट द सर्कल शिफ्ट, यहां से 200 मीटर दूर जा चुका है सर्कल, तो ये फाइट लेकर के भी आप सर्कल में नहीं है एंड ये फाइट लिए आपको जीतना पड़ेगा। रेगल टॉस दे जिगल करके एक प्लेयर को डाउन करते हैं, बट नाउ ही गोज डाउन, बट आखिरी 5 मिनट से उनके एके में स्टिल डिड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन टू आर्टेमिस एंड मॉर्टल का एक प्री फायर, बट आर्टेमिस उनके अगर प्री फायर में आते केवल एक बुलेट चाहिए थी टेक डाउन हो जाते, बट ही वाज लकी इनफ, बट ऑन द अदर साइड कैनेडियन ड्राइवर गोज डाउन एंड दिस इज द सेकंड मैन जिनको टेक डाउन किया गया, सोल दूसरे प्लेयर को गवाती हुई नजर आएगी, बट रेगल टॉस के ऊपर एक क्विक रिवाइवल, फॉर्सफुल लूजिंग रेड एंड स्मोकी इज एज वेल down. देखिए धीरे धीरे जो ये नॉक्स मिल रहे हैं टीम सोल को वो उनको बैकवर्ड पे भी लेके जा रहा है, क्योंकि उनकी हीलिंग सप्लाईज खत्म हो रही है, उनके हेलमेट वेस्ट डैमेज हो रहे हैं और थर्ड पार्टी भी यहाँ पे एमिनेंट है, टीम ब्लाइंड जरूर वेट कर रही है। कैनेडियन ड्राइवर यहाँ पे खत्म होते हैं आपको नजर आए, सोल वाइपर दो फिनिशेस निकाल चुके हैं, लुकिंग इन रियली डिसेंट फॉर्म, बट अभी के लिए इस एरिया से सर्वाइव करके बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू फाइट इट आउट एंड ही इज गोइंग टू फाइट इट आउट। जब चोटा पे लेने की कोशिश, वाइपर एक प्लेयर को नॉक करेंगे, दूसरे प्लेयर की तलाश में, दूसरे प्लेयर को नॉक करेंगे, वाइपर इज लिटरली ऑन फायर एंड ही इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अबाउट टुडे। पहला प्लेयर टेक डाउन किया, एक एचपी हो चुकी थी, जो प्लेयर रिवाइव हुआ वो भी एक एचपी पे था एंड वाइपर जस्ट वेंट इन एंड जस्ट दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन करके फुली एलिमिनेट कर दिया एंड फर्स्ट वन नाउ डाउन टू जस्ट लास्ट मैन, इग्नाइट इज द ओनली प्लेयर देयर एंड यहां से निकल पाना अब टीम फर्स्ट वन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं नजर आ रहा, बट कि टीम सोल एज थर्ड पार्टी आई थी यहां पे चार फिनिशेस लिए, एक प्लेयर गवाया एंड दैट्स अ डिसेंट ट्रेड आई वुड से स्पीरो। That is a really good trade and Viper, as I said, he's looking really good today. But at this point of time, zone के अंदर जाना ज़्यादा important है. Team IND जो already coaching की में zone के अंदर एक अच्छा advantage ले चुकी है, उसके सामने team blind थोड़ा सा struggle करेगी, क्योंकि ये compound से compound shift करना जाने के लिए जोन के अंदर इतना इजी नहीं है। मीनवाइल टीम सोल इनकी रोटेशन भी मैं जरूर देखना चाहूंगा, जोन की अगर यहां पे बात करें तो आई थिंक राकी जोन थोड़ा सा फील्ड एरिया में है, थोड़ा सा ओपन एरिया में, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनी टीम टू होल्ड द जोन देयर। जोन से निकलना भी मुश्किल होगा बिकॉज आईएनडी जैसी टीम जिनका मिड रेंज फाइट काफी स्ट्रॉन्ग है वो आपको गेट कीप कर रहे हैं एंड यहां से केवल एक टीम नहीं एक्चुअली दो से तीन टीम आने वाली है, सोल ब्लाइंड और उसके साथ साथ फर्स्ट वन के आखिरी खिलाड़ी इग्नाइट, उनके लिए आना मुश्किल होगा। बट एक अच्छी बात पता है क्या है, तीन तीन प्लेयर्स अब कुछ टीम्स के नॉकआउट हुए, किसके दो गेम से बाहर हुए, किसी का एक, कोई भी एक टीम ऐसी नहीं है जो गेम से बाहर होगी। मैं देखना चाहूंगा कौन सी टीम सबसे पहले बाहर होती है, बट ऑन टू दी अदर साइड मैटी गोज डाउन एंड लुक एट दैट, टीम आईएनडी के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है एंड इस चीज को कैप बहुत जल्दी किया जाएगा। Well, kudos to the production team. Look at the zone there. Look at the aerial view from there.
कितनी टीम से एक सीधी लाइन में सीधी रेखा में आपको नजर आ रही है, कितना मुश्किल है वहां से सर्वाइव करके आगे जाना, कितना मुश्किल है जोन का फेवर लेना। इन सब टीमों में से जो टीम सर्वाइव करेगा मेरे ख्याल से उसके पास फिनिशेस भी बहुत ज्यादा होंगी और उसके पास एडवांटेज भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लूट भी कर पाएंगे उन अपने अपोनेंट्स की क्रेट्स को। बट टीम सोल अभी के लिए देखिए, रेगल्टोस एक ओपन एरिया में है, एक डिसेंट उनके पास बहुत माइन्यूट सी रेज है, उसका यूज करके जितनी देर होल्ड कर पाएंगे बेनिफिट होगा। बट अभी के लिए सोल मॉडल यहाँ पे आते हुए स्टन करने की कोशिश मेरे ख्याल से यहाँ पे करते हुए रश कर रहे हैं, क्या ये सही टाइम है रश करने का? बिकॉज कोई टीम एलिमिनेट नहीं हुई है, ब्लैंक के विलियम्स यहाँ पे फरारी पिक के साथ मॉडल को करेंगे नॉक एंड टीम सोल बैकफुट पे जाता नजर आएगा आपको। फिलहाल के लिए मॉर्टल का यहाँ पर रिवाइव भी पॉसिबल नहीं होगा और पहली टीम जो हमारी गेम से बाहर होगी दैट इज गोइंग टू बी मार्कोस गेमिंग। रेगल्टोस बेली ब्रीदिंग ऑन 1 एचपी, अ सिंगल बुलेट कैन बी द एंड फॉर हिम बट ही इज लकी इनफ टू सर्वाइव देयर टू प्रोन डाउन एंड हील करके वापस गेम में आ जाएंगे। बट मैं देखना चाहता हूं अब ये दो प्लेयर की यू नो जो टीम बची है किस तरीके से खेलती है। रेगल्टोस कंप्लीटली ओपन में, कहीं से भी शॉट्स आ सकते हैं, देखिए आ भी रहे। स्लेयर इज द वन टू टेक हिम टू टेक सम सॉर्ट ऑफ शॉट्स एंड स्लेयर विल बी द वन टू टेक हिम डाउन। उसी के साथ साथ वाइपर गोज डाउन एज वेल, प्ले जोन से सोल वाइपर जाते हुए नजर आएंगे एंड दैट्स जस्ट द फिफ्थ जोन। What just happened there? देखिए यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, हम सब जानते हैं कि इतने सारी टीम्स अपोचिंग के कॉर्नर पे होते हैं ना, बहुत रेयर होता है कोई सर्वाइव कर।